आइए बेटे अब हम स्टार्ट करें हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। आप बेटे जो है वो डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ चलते चलते आपने, मैं लेता हूं बाद में, आपने स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ द मून आपने बेटे निकाल लिया था और वी केम टू नो दैट स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बेटा यहां तक आपने लास्ट टाइम बच्चों कंप्लीट किया? यस बेटा बिल्कुल बिल्कुल इतनी आएगी। अगर आपको, मैं वैल्यू की बात करने जा रहा था, अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए कहीं पे तो जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून 1/6 आपका फैक्टर ऐसा रह जाएगा बेटा और ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ करता है एंड इट विल बी 3, सो इट विल बी 1.63। आई विल लेट यू नो थ्रू द ग्रुप। आई डोंट थिंक कि इस वीक है, नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई होगा अपडेट आई विल बी पुटिंग इन द ग्रुप, राइट बेटा। बट मेरी तरफ से आई डोंट थिंक कि आपका है इस वीक में, तो एक एक वीक छोड़ के है, तो आई वी विल डिसाइड, राइट। तो जी मून की सरफेस पे आपका बच्चों जो है ये 9.8 अर्थ की सरफेस पे था, 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल गया जी का वैल्यू मून की सरफेस पे, और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू काफी कम है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बेटा। अब बेटे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को पिक कर लूं इधर से और हम इस एक्सप्रेशन को मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से दोनों तरफ बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर दें कि ऑब्जेक्ट जो भी आप कंसिडर कर रहे थे उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, आपके पास आ जाएगा एम इंटू जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, इट विल बी एम इंटू जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और ये आपका 1/6 ऐसे ही रह जाएगा जो आपको ऑलरेडी था। एम इंटू जी ये आपका वेट के बराबर हुआ करता है, तो वी विल से दैट वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून जो है इट इज 1/6 टाइम्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट बेटा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखेंगे, यस बेटा नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, सारे स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, 2-3 स्टेप्स हैं फिर हम आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी कंपैरिजन हमने कर तो लिया है स्मॉल जी और कैपिटल जी का बेटा, कंप्लीटेड बेटा। चलिए W is for weight, small g is for acceleration due to gravity. आपका जितना भी acceleration due to gravity अर्थ की सर्फिस पे है बेटा, आप उस वैल्यू को as such यूज कर लोगे और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आपका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। लिखिएगा एक न्यूमेरिकल छोटा सा उत्तर, सारे स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा। हाँ जी बेटे, हाँ कोई नहीं वो भी कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास ऑफ 10 किलोग्राम, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास ऑफ 10 किलोग्राम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ
एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास ऑफ 10 किलोग्राम, मास दिया हुआ है आपको 10 किलोग्राम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज शिफ्टेड टू द सरफेस ऑफ द मून. कैलकुलेट इट्स वेट. फर्स्ट इज ऑन द अर्थ, सेकेंड इज ऑन द मून. आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg दिया गया है, इसको मून पे शिफ्ट कर दिया गया है. कैलकुलेट इट्स वेट ऑन द अर्थ एंड देन ऑन द मून आल्सो. सर ऑन अर्थ 98 kg. इट्स मास ऑन द मून. बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी प्लेस टू प्लेस नहीं वेरी करता. सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इट विल बी 10 kg ओनली. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस m इंटू g आ जाएगा. m आपका 10 kg है, g 9.8 होता है. अर्थ पे तो 10 दिया ही हुआ है आपको, यहां कह रहे हो ना. दिस इज इक्वल टू 98 newton. अब आपको वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून भी निकालना है. 16.3 newton. यस. हां जी बेटे एक मिनट. वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ आ जाएगा. 1/6 98 newton. newton आ जाएगा बच्चों. चेक कर लीजिए आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा. मैंने अपने तरीके से इसको आपको सॉल्व करके बता दिया. राइट बेटे. सर हम इसको 10 into 1.63 भी कर सकते हैं ना. हाँ जी बेटे क्या कह रहे हो. वेट ऑन मून के लिए हम इसको 10 into 1.63 भी कर सकते हैं ना. 10 into हाँ जी कर सकते हैं. ओके है, वो भी ठीक है बिल्कुल. यस. ये डिवाइड किया है. डिवाइड क्यों नहीं किया. डिवाइड किया तो है. ये माइंड में कैलकुलेशन कर लिया. आप बड़े हो जाओगे आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. हो जाएंगे. राइट बेटा. सारे बच्चों को क्लियर हो गया. एक इससे उल्टा न्यूमेरिकल और लिखिए, जल्दी कर लीजिएगा. बच्चों थोड़ा सा काम की तरफ भी ध्यान दो. चलें आगे. लिखिएगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. न्यूमेरिकल लिखिएगा बेटर. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 72 newton. Weight of an object on the surface of the moon is 72 newton. Calculate its number one weight on the earth, its mass on the earth,
its mass on the moon. वेट बेटे फोर्स ही होता है. वेट भी आप जब वेट को डिफाइन करते हो आप कहते हो वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दैट इज व्हाई न्यूटन. वो कैलिब्रेटेड स्केल है, वो किलोग्राम में होता है. दैट इज सेपरेट. स्टैंड अप दिस चाइल्ड. पीछे आप. यस. वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितना होगा? तो वो ही पूछ रहा हूं मैं भी. कैसे निकालोगे? किससे? 6.67 इंटू 10^10 -11. ये कहां से आ गया? 6.67 तो नहीं आना चाहिए. आपने अभी अभी कहा है वेट ऑन द मून इट इज इक्वल टू वेट 432 न्यूटन. का 1/6 बोला है. आपका वेट ऑन द अर्थ जो है 6 टाइम्स वेट ऑन द मून आएगा. वेट ऑन द अर्थ आ गया 6 इंटू ये बन गया 432. इतने न्यूटन बन गया. एंड बच्चों मास के रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए? स्टैंड अप स्टैंड अप. वेरी नाइस. मास ऑन द अर्थ इट इज वेरी गुड. वेट डिवाइडेड बाय जी. अर्थ पे जी 9.8 होता है. 432 को 9.8 से करना डिवाइड कितना आता है बेटा? चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स. 44 के करीब आ जाएगा. चेक करिएगा. चेक करके देखिए. नहीं आप चेक करके देखो ना. वैसे नहीं कही है सर. 44.08. यस 44.08 किलोग्राम सर. मास ऑन द मून भी 44.08. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मास नहीं आएगा इतना. गलत आ रहा है आपका बेटे. मास सेम रहेगा. मास थोड़ी बदलेगा. डियर आप 412 क्यों कह रहे हैं फिर? 98 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे आप बेटा? नहीं, आपको 432 को 9.8 से डिवाइड करना है ना कि मल्टीप्लाई करना है. दोबारा करके देखना आ जाएगा ठीक. और थोड़ा सा और ध्यान दो. मास मास कभी बदलता नहीं है. जितना अर्थ पे होगा इतना मून पे भी इतना ही होगा. सो मास ऑन मून इट विल अगेन बी 44.08 न्यूटन. राइट. एनसीईआरटी वाली निकाल. और नहीं नहीं साइन नहीं है वो वैसे ही है. दैट इज जस्ट टू सेपरेट इट. एक्सरसाइज की गाल ये ऐसे ऐसे किया है. इसको सेपरेट किया. सर आपने मास को न्यूटन लिख दिया है. एक्सरसाइज निकाल देना बेटा. ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज नहीं देख रहा हूं मैं. रिलेटेड न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करेंगे बेटे. सारी चीजें आपको करवा देंगे. पहले रेलेवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर ले फिर हम आगे चलते हैं. राइट. चलिए आगे हमारे पास है. नेक्स्ट है
मैं वो ही करवाने जा रहा था। बैठिए, एक्सरसाइज निकाल लिया आपने, कितना पेज नंबर है? 104। लिखिएगा एक आर एग्जाम्पल नंबर 10.2 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, एक आर फॉल्स ऑफ, एक आर फॉल्स ऑफ एन एज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड एट पॉइंट इन 0.5 सेकंड्स का। आपको टाइम फॉल ऑफ करने का 0.5 सेकंड्स दे रखा है। फर्दर मोर लेट जी इज इक्वल टू 10 लीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी आपको उन्होंने दे दिया है, 9.8 नहीं लेना, 10 लेना है। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा स्पीड कितना होगा, पहला पॉइंट। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड्स, बी एवरेज निकालना है 0.5 सेकंड्स में। तीसरा पार्ट, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, आपको हाइट निकालना है कितना है ग्राउंड लेवल से। पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट आपका जो है कार है ये ड्रॉप हुआ है किसी हाइट से, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है इट विल बी जीरो। आपको अब वेलोसिटी विद विच इट विल टच द ग्राउंड वो चाहिए है, ये वाला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ए की जगह पे हमने g यूज कर लेना था तो मैं g बना रहा हूं इसको, राइट। इट इज g, आपको 10 दे दिया उन्होंने, t है 0.5, इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। और सेकंड पॉइंट में आपको कहा है कि 0 से लेकर 5 सेकंड के टाइम में एवरेज स्पीड निकालिएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपके पास आ जाएगा ये वाला और ये वाला स्पीड, इनको आप ऐड करिए, डिवाइड बाय 2, 2.5 मीटर पर सेकंड इट विल बी। तीसरी, हाँ जी बेटे, नहीं बेटा आपको v एवरेज निकालना है ना, इट इज u प्लस v बाई 2 किया। तीसरा पार्ट, आपको हाइट निकालना है बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है? Yes, s is equal to ut plus yes. आपका small u तो zero है, s को आपने h कह दिया, 1/2 into 10, t आपका 0.5 into 0.5. So when आप calculation perform करोगे, इट विल बी इक्वल टू 1.25 मीटर्स हाइट ऑफ द एज फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग। आपकी एक्सरसाइज का बेटा एक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, फिर मैं एग्जांपल्स पे वापस आ जाऊंगा। आप में से किसी का प्रॉब्लम था, पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स का। यस बेटा,
आई वुड लाइक कि आप सॉल्व करें इसको, बिकॉज आप ऐसी प्रॉब्लम्स पहले कर चुकी हो। पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का, मैं स्टेटमेंट पार्ट बच्चों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। डिस्टेंस is reduced to half। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। How does the force of gravitation between the two objects change when the distance between them is reduced to half? So सुनना बच्चों, जरा ध्यान से सुनना सारे students। मैम सर, it will become four times। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आप सेंड अप अगेन, आप बेटा फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बैठ जाओ। दिस लास्ट वन इधर बेटे, फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आप। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बेटे बोलने तो दो उसको आप। नहीं बैठिए, वेरी नाइस। एफ इज इक्वल टू जी मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई, ऐसे नहीं कहना, डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस आर है। अब हम बेटे जनरली इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया करते हैं, है ना बेटा। अब आपका जो न्यू डिस्टेंस है, आपका न्यू डिस्टेंस आर डैश बोल दें, वन हाफ हो गया, ये वन बाई टू टाइम्स आर आ गया। और नाउ इनके बीच में फोर्स कितना होगा, एफ डैश जी पहले ऑब्जेक्ट का मास सेकंड ऑब्जेक्ट का मास आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यस जी एम एम अपॉन, ये आ गया। अच्छी बात है, कर लिया तो खुशी वाली बात है। ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बाई फोर कर ले, फोर आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। इट कैन बी करेक्टेड लाइक दिस बेटा, एफ डैश आपका जो है फोर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया जी। इक्वेशन नंबर वन को यूज करिएगा, यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन वन, किसके बराबर है ये, एफ के। तो नया फोर्स आपका एफ डैश जो है फोर टाइम्स इनिशियल वैल्यू ऑफ फोर्स आपको मिल जाएगा, राइट। सारे बच्चों को समझ आ गया। चलिए वापस मैं एग्जांपल नंबर 10 पॉइंट हमारा कितना था, क्या नहीं समझ लगा, उठ जाइए बताइए। इसके बाद आर डैश की वैल्यू ये पुट कर दी, स्केयर कर दिया, आर स्केयर बाई फोर आ गया, फोर को ऊपर ले गए, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, राइट। ये आपका एफ के बराबर है, इसकी जगह एफ लिख दिया, दैट्स ऑल। ये चीज आपकी सर्कल में जो है ये एफ के बराबर है ना, इसकी जगह एफ लिख दिया, यस बेटा। नाउ सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
प्रॉब्लम नंबर 10.4, 10.4 देखिएगा, डियर चिल्ड्रन एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं कंप्लीट करने हैं, बी क्विक। 10.4 एग्जांपल नंबर है आपका, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मास 10 kg है, आपको वेट निकालना है। आप एंड में जो बच्चा बैठा है आप उत्तर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट। एक मिनट बोलने तो दो उसको उत्तर, उसकी कितनी वैल्यू है। वेरी नाइस, W इज इक्वल टू एम इंटू जी आ जाएगा, एम आपका 10, 9.8 नहीं नहीं न्यूटन में रहने दो आप। और प्रॉब्लम नंबर 10.5 सुनिएगा ध्यान से एक मिनट के लिए। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 newton व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस पे 10 newton है। What would be its weight when measured on the surface of the moon? इसका वेट मून पे निकालना है। Stand up, बोलो पुत्र। एक मिनट बुढ़िया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ बोले तो दोस्तों। 1.6 क्यों आएगा पुत्र? वेरी नाइस, आपको पता है वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून जो है अर्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1/6 × 10 newton में आ गया, ये 6/7 कर दीजिए, राइट। किसी भी स्टूडेंट को कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही। लेटेस्ट 6/6 लिसन, जब आपके पास 5 से बड़ा डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, हम सेकंड पॉइंट पर, सेकंड डेसिमल प्लेस पर अगला डिजिट लिख देते हैं। जैसे आप कह रहे हो ना 1.6666 आ रहा है, तो मैं इनको छोड़ देना चाहता हूं, तो मैं 1.67 लिख दूंगा। थैंक यू ऑल बेटा।